गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू वॉरियर एकेडमी। यानी कि 2017 में जो क्वेश्चन आए थे उनको हम वन बाय वन आज करेंगे, और बच्चे देखते हैं कि 2017 तक कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं या कौन से क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए। तो बच्चों इनको आज हम स्टार्ट करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन लेते हैं 2017 का। तो पहला क्वेश्चन हमारा 2017 का हम ले रहे हैं, और पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये 2017 के फास्ट में पूछा गया था। एक्चुअल में बच्चों अगर 2017 की बात करूं तो 2017 में पॉलिटी से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे, और 2017 में सिर्फ मात्र 5 ही क्वेश्चन पॉलिटी से रिलेटेड आए थे। तो आज हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पॉलिटी का जो रहेगा उसको स्टार्ट करते हैं बच्चों। बाय द फुलफिलिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन कैन ए पॉलिटिकल पार्टी क्लेम द स्टेट ऑफ ए नेशनल पार्टी। भाई बच्चों वही क्वेश्चन देखो, 2016 का क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी से रिलेटेड हमने क्वेश्चन पहले भी किया था और इस क्वेश्चन को फिर से कर रहे हैं। इट सिक्योर एटलीस्ट 6% ऑफ द वैलिड वोट्स पोलिड इन एनी टोर्स ऑफ एनी पोल्स ऑफ मोर स्टेट्स एट ए जनरल इलेक्शन टू द हाउस ऑफ द पीपल और द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। भाई की 6% वोट मिलने चाहिए, जितना पोलिंग है उसका 6% वोट अगर किसी पार्टी को मिलता है तो वो नेशनल पार्टी बनने के लिए तैयार होती है। पहली स्टेटमेंट पूरी तरह राइट स्टेटमेंट है, और डायरेक्ट क्वेश्चन आया बच्चों, ये डायरेक्ट रिपीट क्वेश्चन हुआ है 2017 में। इट विंस एटलीस्ट 4 सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल फ्रॉम एनी स्टेट और ऑन एनी स्टेटस और विंस एटलीस्ट 2% सीट इन द हाउस ऑफ द पीपल 11 सीट इन द एग्जिस्टिंग हाउस हैविंग 543 मेंबर्स एंड दीज मेंबर्स आर इलेक्टेड फ्रॉम एटलीस्ट 3 डिफरेंट स्टेट्स। सिंपल सी स्टेटमेंट, मैंने बताया था कम से कम 4 सीटें उसके पास होनी चाहिए, चाहे वो एक स्टेट में जीते, चाहे 2 स्टेट में जीते और चाहे 10 स्टेट में जीते। और इस बार की नेशनल पार्टी कौन बनी है बच्चों, तो इस बार की नेशनल पार्टी बनी है आम आदमी पार्टी पंजाब इलेक्शन के बाद। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, सेकंड स्टेटमेंट भी पूरी तरह सही है कि उसको लोकसभा के इलेक्शन में कम से कम 4 सीटें मिले। अब बच्चों थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं। द पार्टी इन क्वेश्चन हैज गॉट रिकॉग्नाइजिंग एज ए स्टेट पार्टी इन एटलीस्ट 2 सीट्स। पूरी तरह गलत, थर्ड स्टेटमेंट गलत। फोर्थ को देखते हैं। इट मस्ट हैव इट्स हेडक्वार्टर्स इन न्यू दिल्ली, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। पूरी तरह गलत भाई, हेडक्वार्टर दिल्ली में हो या ना हो इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये भी गलत। तो बच्चों हमारी राइट स्टेटमेंट क्या रहेगी, आंसर रहेगा सी, 1 और 2 स्टेटमेंट हमारी इसमें राइट है, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, सी मिलेगा। और ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुआ है, 2016 में पूछा गया और 2017 में डायरेक्ट रिपीट कर दिया थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज करके। इसीलिए मैं कहता हूं कि PYQ पे आप ज्यादा से ज्यादा ध्यान दो, अभी एग्जाम नजदीक आ रहा है, और जब आप पिछले सालों में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको रिपीट करके देखोगे तो आपको मिलेगा कि क्वेश्चन रिपीट होके आ रहा है लेकिन उसकी स्टेटमेंट थोड़ी सी चेंज होती जा रही है। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। भाई इन्होंने क्या बोला, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करो और करेक्ट आंसर को आप चेक करो, हो सकता है अगली बार नोट करेक्ट पूछ ले। इस बार तो इन्होंने करेक्ट पूछा, अगली बार नोट करेक्ट भी आ सकता है। और ये क्वेश्चन कब का बच्चों, एनडीए 2017 फास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब बच्चों इसका हम देखते हैं कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं करेक्ट है। अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये इन्होंने पूछा और ये सब्जेक्ट दिए, यानी कि इस ईयर में ये अमेंडमेंट हुए। तो बच्चों इसकी जब हम बात करते हैं कि ए का पहली स्टेटमेंट देखते हैं कि ए का 4 यानी कि 52nd अमेंडमेंट जो बच्चों लागू किया गया, ए स्टेटमेंट देख रहे हैं हम, जब उसको हम देखते हैं तो वो पूरी तरह हमें क्या दिखाई देती है, ए का आंसर निकल के आता है यहां पे। इन्होंने पहले क्या पूछा, पहले तो ये देखना करेक्ट आंसर पूछ रहा है, ये करेक्ट आंसर कौन सा है कौन सा नहीं है। तो 52nd अमेंडमेंट का यहां से निकल के आएगा 4 एक्ट 2006। अब देखते हैं भाई सेकंड का क्या निकल के आ रहा है, सेकंड का 73 अमेंडमेंट का देखिए तो 73 अमेंडमेंट बी का निकल के आ रहा है एक्ट 1988 बनाया गया।
अब बच्चों 61st अमेंडमेंट का अगर हम देखते हैं तो 61st अमेंडमेंट का निकल के आ रहा है ए, यानी कि एक्ट 1985। अब बच्चों 86 अमेंडमेंट की बात करें तो 86 अमेंडमेंट के लिए हमारे पास क्या बच गया, एक्ट 1992। अब इनको आप स्टेटमेंट को मैच कर लो। ये क्या है बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 100+ अमेंडमेंट हो चुके हैं। तो जब इस स्टेटमेंट को हम देखेंगे तो देखो पहले का चार है, तो पहले का चार आपको ए में भी मिल रहा है, लेकिन फिर चलेंगे बी पे, यानी कि बी का तीन है, तो बी का तीन कहां पे मिल रहा है, ये पहला गलत हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो जाती है, और गलत हो जाती है तो आगे आपको चलने की जरूरत ही नहीं, सी और डी भी गलत हो गया, राइट आंसर क्या रहेगा, बी। सिंपल सा क्वेश्चन। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब्जेक्ट दैट हैज बीन डिवॉल्विड टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बाय द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भाई पंचायती राज भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिया गया था, क्या सौंप दिया गया था इसकी बात करेंगे एनडी 2017 सेकंड के क्वेश्चन में। अब बात करते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेस। भाई ये तो गांव का पहले ही था, अगर गांव में आप थोड़ी बहुत एनर्जी का यूज करते हो और किस प्रकार, जिस प्रकार सनलाइट लगा के या और करके ये काम करते हो, तो ये पंचायतों के पास पहले से ही काम था। दूसरा रोड्स, गांव में सड़कें बनाने का काम पंचायतों के पास होता था। लाइब्रेरीज, ये बच्चों ये भी गांव में, भाई एजुकेशन का निर्माण करना, एजुकेशन के लिए सहायता देना, स्कूलों का काम कार्यभार देखना, ये भी पंचायतों के पास था। लेकिन हायर एजुकेशन को सौंपा गया कब, 11th शेड्यूल में, ये ध्यान रखना आपको, हायर एजुकेशन को भी पंचायतों को सौंप दिया गया था। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बच्चों एनडीए 2017 सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है। विच अमंग द फॉलोइंग कैन अटेंड द मीटिंग ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट व्हाइल नॉट बीइंग ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस। भाई निम्नलिखित में से कौन किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी सदन के, संसद के दोनों सदनों की बैठक में भाग ले सकता है, जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है लेकिन संसद के दोनों सदनों की बैठक जो कमेटी होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, यानी कि जो मीटिंग होती है। अब बच्चों इस क्वेश्चन की बात करें, द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं है। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भाई ये राज्यसभा का प्रमुख होता है, नहीं है। द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी नहीं है। तो बच्चों द अटोर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये क्या रहेगा, दोनों की बैठक में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, और ये क्वेश्चन भी हमारा एनडीए 2017 सेकंड से रिलेटेड क्वेश्चन है बच्चों। द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकपाल वाज फर्स्ट रिकमेंडेड बाय, लोकपाल संस्था के निर्माण की सिफारिश सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी, लो कमीशन के द्वारा, नहीं भाई लो कमीशन के द्वारा नहीं की गई। संधानम कमेटी, इसके द्वारा भी नहीं की गई बच्चों। शाह कमीशन, इसके द्वारा भी नहीं की गई। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसके द्वारा की गई थी बच्चों, लोकपाल बनाने की कमेटी, और फिर अन्ना हजारे जी ने लंबे समय तक आंदोलन भी चलाया लेकिन फिर भी लोकपाल पूरी तरह लागू नहीं हुआ, क्योंकि सरकार के बाहर की बात कुछ और होती है और जब सरकार में चले जाते हो तब बात कुछ और होती है। जिस प्रकार अरविंद केजरीवाल जी ने अन्ना हजारे जी के साथ मिलकर आंदोलन किया कि लोकपाल लेके आएंगे, लोकपाल लेके आएंगे, लेकिन सरकार बनी तो उन्होंने लोकपाल तो लेके आए लेकिन लोकपाल के दायरे से मंत्रियों को और खुद को, चीफ मिनिस्टर को बाहर रखा। तो अब बच्चों हम देख सकते हैं कि लोकपाल की सिफारिश किसने की थी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन ने लोकपाल की सिफारिश की थी। और बच्चों एनडीए 2017 फर्स्ट और सेकंड में पॉलिटी से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन पूछे गए थे। तो बच्चों आज हमने ये 5 क्वेश्चन किए जो कि 2017 के पूछे गए थे, और इनको आपको देखना है कि 2017 में पॉलिटी का क्राइटेरिया क्या रहता है और किस प्रकार उनका रिपीटिशन आया। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।